हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश का 1.4 रेवटीज म्यूजिकल प्लांट इस लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लेसन है और इसको हम वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि इस लेसन से आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो आइए स्टार्ट करते हैं रेवटीज म्यूजिकल प्लांट। सो उसके पहले मैं आपको बोल दूँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो देखिए, रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। रेवती एक म्यूजिक म्यूजिक की स्टूडेंट थी। उसे म्यूजिक सीखना, म्यूजिक बजाना, म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वॉयलन वेन एवर शी वॉज फ्री। जब भी वो फ्री रहती थी, खाली बैठी रहती थी, वो हमेशा अपना वायलिन लेकर उसे बजाना शुरू कर देती थी, क्योंकि उसे म्यूजिक प्ले करना बहुत पसंद था। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्ट यार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। उसके घर के सामने एक खुला आंगन हुआ करता था, एक खुला आंगन था, कोर्ट यार्ड यानी हम आंगन कहेंगे, एक बड़ा सा खुला सा आंगन था, मतलब छोटा सा खुला सा आंगन था, विथ अ स्मॉल सीमेंट बेंच, जिसमें एक छोटा सा बेंच भी था। शी वुड सीट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वॉयलिन। वो क्या करती थी कि उस बेंच पर, वो जो उसके छोटे से आंगन में जो सीमेंट का बेंच रखा था, उस सीमेंट के बेंच में बैठकर वो वायलिन बजाने की प्रैक्टिस किया करती थी हर दिन। देयर वेयर फ्यू पॉटेड प्लांट इन द कोर्ट यार्ड। और उस कोर्ट यार्ड में, उस आंगन में कुछ गमले थे जिसमें पौधे लगे हुए थे, ठीक है, प्लांट लगे हुए थे। वाइल प्लेइंग ऑन द वायलिन वन डे She noted a pot of balsam plant near the wall. जब वो एक दिन वायलिन बजा रही थी तो उसने एक प्लांट को नोटेट किया, मतलब एक प्लांट को उसने नोटिस किया, देखा। वो जो प्लांट था वो बैल्सम का प्लांट था, उसने बैल्सम के प्लांट को नोटिस किया। नोटेट करना मतलब, अब देखो, बैल्सम का प्लांट मतलब क्या होता है, अ प्लांट यूजली विथ पिंक और वाइट फ्लावर, एक ऐसा पेड़ जिसमें हमेशा गुलाबी और सफेद रंग के फूल उगते हैं, ऐसे प्लांट को बालसम का प्लांट कहते हैं। तो ये जो बालसम प्लांट था, उस बालसम प्लांट को उसने नोटिस किया। द प्लांट वेयर नॉट लुकिंग नॉर्मल। उसने देखा कि ये जो प्लांट है ये नॉर्मल नहीं लग रहा है बाकी प्लांट के जैसा। दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वॉर स्टंट। उसके जो पत्ते थे, आप देखते हैं जनरली जो प्लांट होते हैं, प्लांट के पत्ते जो होते हैं वो हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं, डार्क ग्रीन। पर ये जो बालसम का प्लांट था, इस बालसम के प्लांट के जो पत्ते थे वो पेल ग्रीन, मतलब फीके हरे हो चुके थे। ऐसा तब होता है जब पेड़ों को धूप कम मिलती है। और वो मुरझा गया था, उसकी जो ग्रोथ थी वो स्टंट हो गई थी, रुक गई थी, स्लो डाउन और स्टॉप, मतलब उसकी जो ग्रोथ थी या तो वो रुक गई थी या फिर बहुत धीरे हो चुकी थी, तो वो अच्छे से बढ़ नहीं रहा था और वो प्लांट जो था वो हेल्दी नहीं था। शी रिमेम्बर्ड शी हैड लर्न इन द लोअर क्लास दैट प्लांट नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ। जैसे कि आपने भी पढ़ा है, आपने साइंस में पढ़ा है, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट, है ना, आप थर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट है उस प्लांट को जब तक के सही धूप ना मिले तब तक उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। तो यही बात उसे याद आ गई। She shifted the pot to the center of the courtyard where there ample sunlight. उसने क्या किया, उस प्लांट को उठाया और आंगन में ऐसी जगह रख दिया जहां पर ample मतलब enough, जितनी पेड़ों को चाहिए उतनी सूर्य की किरणें उसे मिले, उतनी sunlight उसे मिले, ऐसी जगह उसने उस आंगन के मतलब courtyard के center में, मतलब आंगन के बीचों बीच उसने उस प्लांट को रख दिया। While shifted the pot, एन आइडिया स्ट्रक रेवती। जैसे ही वो प्लांट को शिफ्ट करने लगी, वहां से उठाकर ले जाने लगी, उसके दिमाग में एक आइडिया आई। Why not participate the best plant contest which was to be held in her colony a few weeks later? तो उसकी कॉलोनी में हमेशा प्लांट कॉन्टेस्ट होता था। जिसके भी घर के प्लांट हेल्दी रहते थे वो क्या करते थे, अपने घर के हेल्दी प्लांट को उस प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करवाते थे
और जिसका प्लांट ज्यादा हेल्दी होता था उसे प्राइज दिया जाता था, उसे अवार्ड दिया जाता था। तो फिर रेवती ने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने प्लांट को उस पार्ट उस फंक्शन में उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाऊं, है ना। सो देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, और फिर वहां पर उसने सोचा कि मैं भी अपने प्लांट के साथ पार्टिसिपेट करूंगी। दस मेकिंग हर अप माइंड शी वॉटर द प्लांट एंड सेट डाउन ऑन बेंच एंड स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हर वायल। अब वो क्या करती थी, क्योंकि उसे अब क्या करना था, अपने प्लांट को पार्टिसिपेट करवाना था। अब प्लांट को पार्टिसिपेट करवाना है तो उसका प्लांट जो है वो हेल्दी होना चाहिए। अगर वो अनहेल्दी रहेगा, मुरझाया हुआ रहेगा, उसकी ग्रोथ स्टंट हो चुकी होगी, तो उसके प्लांट को अवार्ड नहीं मिलेगा। तो वो क्या करती थी, हर दिन बेंच पर, मतलब हर दिन वो क्या करती थी, प्लांट को पानी देती थी और बेंच पर बैठकर वो वायलिन को बजाती थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द रागा मोहनम। रागा मोहनम जो है वो एक टाइप का म्यूजिक है और उसे उस म्यूजिक को बजाना बहुत पसंद था। उसके उसे रागा मोहनम म्यूजिक बजाने का एक तरह का शौक था, हम ऐसा कह सकते हैं। वी वेरी फाउंड मतलब या तो बहुत ज्यादा पसंद होना या फिर उस चीज का शौक होना। शी प्लेड द रागा फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इन हर इन फॉर हर स्टडी। उसने कुछ देर तक के रागा को बजाया और फिर वो कुछ देर के बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए चली गई। एवरी डे, अब देखिए, एवरी डे रेवती वुड सीट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट। वो हर दिन क्या करती थी, बेंच पर बैठकर अपने गमले को नोटिस करती थी, देखती रहती थी। दे वेयर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्दियर देन द अदर प्लांट इन द फार एंड ऑफ द कोर्ट यार्ड। जब जिस दिन से उसने उस प्लांट को पानी देना शुरू किया, उसे सहारना शुरू किया, उसकी ग्रोथ बढ़ने लगी और उसने देखा कि उसका जो प्लांट है वो इतना अच्छे से ग्रो कर चुका है कि कोर्ट यार्ड में बाकी जितने भी प्लांट रखे हुए हैं उन सब में वो ग्रोइंग में आगे हैं। वन डे एज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस अ मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट। एक दिन क्या हुआ, जब वो ऐसे ही म्यूजिक बजा रही थी, जनरली जब वो म्यूजिक बजाती है तो उसकी आंखें बंद रहती है, ठीक है, आंखें बंद करके म्यूजिक में मग्न होकर वो वायलिन बजाती है। पर अब क्या हुआ, अचानक उसने आंखें खोला और वो वायलिन बजा रही थी तो उसने देखा कि प्लांट में वायलिन के समय एक मूवमेंट हो रहा है। दे वेर स्लोली मूविंग देयर स्टीम। प्लांट जो है वो अपनी स्टीम को, जनरली प्लांट की पत्तियां हवा से हिलने लगती है, पर यहां पर क्या हो रहा था कि प्लांट अपने तनों को, अपने स्टीम को धीरे धीरे हिला रहा था, जैसे मानो वो मूव हो रहा हो या डांस कर रहा हो। बेंडिंग स्लाइडली टूवर्ड्स हर, और वो जो प्लांट की जो स्टीम थी वो बेंड हो रही थी, उसकी तरफ झुक रही थी, क्योंकि वायलिन की म्यूजिक जो है वो रेवती की तरफ से आ रही थी, तो प्लांट जो है वो रेवती की तरफ झुकने की कोशिश कर रहा था, मानो कि उसको म्यूजिक पसंद हो। शी वंडर्ड व्हाई दे वेयर मूविंग एज देयर वॉज नो ब्रीज। वो चौंक गई, वो हैरान रह गई कि यहां पर तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, फिर ये पेड़ अपने आप कैसे मूव कर सकता है। इट स्ट्रक एज हर ऑड सीम्स टू बी वेरी स्ट्रेंज। इसका मतलब होता है, मतलब एक ऐसी चीज जो कभी हो नहीं सकती वो हो कैसे रही है ना। द नेक्स्ट इवनिंग टू शी प्लेड ऑन हर वायलिन एज यूजुअल एंड वॉच द पॉटेड प्लांट विथ केयर। अब वो क्या करने लगी, नोटिस करना शुरू करने लगी। वो क्या करती थी, हर दिन प्लांट के पास बैठ के वायलिन बजाती थी और वो उन पेड़ों को देखती थी। आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे, कुछ देर के बाद वापस वही हलचल होने लगी। देयर वॉज डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट, वैसी ही डिफाइनेट मूवमेंट जैसे पहले होती थी वैसी मूवमेंट उस प्लांट में होने लगी। दे ऑल बेंट टूवर्ड्स हर, वो प्लांट जो थे उसकी पूरी डालियां जो थी, वो जो पूरी ब्रांचेस जो थी वो सारी की सारी उसके तरफ झुकने लगी, मूव होने लगी जैसे जैसे वो म्यूजिक सुन रहे थे। दीस एस्टोनाइज्ड, मतलब ये एक तरह का आश्चर्यचकित था। सरप्राइज और एस्टोनाइज्ड यहाँ पे दो वर्ड यूज किए गए, दोनों का मतलब आश्चर्यचकित होता है। वो पूरी तरह से चकित रह गई दैट दे ऑल्सो देयर वॉज नो ब्रीज। उस दिन भी वहां पर बिल्कुल भी हवा नहीं थी पर प्लांट म्यूजिक को रिस्पॉन्स कर रहा था। रेवती सेट ऑन द बेंच एंड प्लेड डिफरेंट ट्यून। रेवती अब क्या करी, रेवती ने
रेवती बेंच पर बैठी और उसने रागा मोहनम के अलावा दूसरा म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया, वन विथ अ क्विक रिदम। जैसे ही उसने एक रिदम छेड़ा, म्यूजिक चेंज जैसे ही किया, शी सडनली सॉ ऑल प्लांट टर्न अवे फ्रॉम हर एज दो दे डिड नॉट लाइक व्हाट शी वाज प्लेइंग। मतलब कि जैसे ही उसने म्यूजिक की धुन को छेड़ा, म्यूजिक की धुन को चेंज किया, दूसरा म्यूजिक बजाने लगी, सडनली प्लांट ने रिस्पॉन्स किया, उनको वो म्यूजिक पसंद नहीं था और वो जो प्लांट थे वो रेवती से दूर जाने लगे, मानो जैसे उन्हें वो म्यूजिक पसंद ना हो। देन शी स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट ट्यून अगेन एंड द प्लांट स्लोली स्ट्रेंथ देमसेल्फ एंड बेंड टुवर्ड्स हर। और फिर उसने क्या किया, फिर से उसने वापस अपना फेवरेट म्यूजिक रागा मोहनम बजाना शुरू किया और उसने देखा कि वापस जो पेड़ है उसकी तरफ फिर से बेंट हो रहे हैं, फिर से झुक रहे, उसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हर समराइज बिकम अ सर्टेनिटी, हर प्लांट्स लव टू हर फॉर फेवरेट। देखो उसका जो समराइज था, उसका जो गेसिंग था, उसने जो अंदाजा लगाया था कि ये जो प्लांट है वो मेरे म्यूजिक को ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसका जो ये अंदाजा था उसका अंदाजा एकदम सही होने लगा, परफेक्ट वो अंदाजा उसे लगने लगा। उसने जो अंदाजा लगाया था वो सही हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर देखा, उसने जैसे ही म्यूजिक चेंज किया प्लांट बैक हो गए, और जैसे ही म्यूजिक वापस फेवरेट वाला बजाया प्लांट को भी वो म्यूजिक पसंद था, उन्होंने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, तो उसका जो अंदाजा था वो सही निकल गया, उसे समझ में आ गया कि प्लांट जो है वो उसकी फेवरेट ट्यून को लव कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट, उसने उन नॉलेज उस बात को उस ज्ञान को उसे जो बात पता चली पेड़ों के बारे में उसको उसने सीक्रेट रखा, किसी को नहीं बताया। शी डिड नॉट टेल एनीवन, नॉट इवन हर मदर, उसने अपनी मम्मा को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। जनरली हम हर बात अपने मात से तो शेयर करते ही है, पर उन्होंने उससे भी छुपा के रखा सबसे, क्योंकि वो सबको सरप्राइज देना चाहती थी। देयर वर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन के लिए कुछ ही दिन बचे थे, है ना, वो जो फंक्शन होने वाला था प्लांट का उसको कुछ ही दिन बचे थे। टू हर ग्रेट सरप्राइज रेवतीज फाउंड हर पॉटेड प्लांट नॉट ओनली टॉलर एंड हेल्दियर देन द अदर बाल्सम प्लांट बट दैट दे हैड स्टार्टेड फ्लावरिंग अ फ्यू डेज अर्लियर देन द अदर प्लांट। अब देखो रेवती का जो प्लांट था उसने जो पॉट में लगाया हुआ था जो उसकी म्यूजिक को रिस्पॉन्स करता था वो बाल्सम प्लांट बाकी सभी बाल्सम प्लांट से बहुत अलग था, उसमें सिर्फ वो बाकी सब प्लांट से हेल्दी भी था और उसमें बाकी अदर प्लांट से ज्यादा और सुंदर फूल आने लगे थे। द फ्लावर बीग वेयर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड एंड वन ऑफ द प्लांट हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर, उस प्लांट में बाकी सब प्लांट से एक अलग तरह के फ्लावर्स आने लगे थे, बहुत सुंदर फूल आने लगे थे और वो हेल्दी और काफी अच्छा बड़ा भी हो चुका था। द फ्लावर वेयर मूव विथ वाइट स्ट्रिप्स दैट इवनिंग शी न्यू, देख द फ्लावर वेयर मूव माव, द फ्लावर वेयर माव, माव यानी होता है ऑफ पेल पल्पर कलर, मतलब फीका पल्पर कलर, तो वो जो फूल थे द फ्लावर माव विथ वाइट स्ट्रीप दैट इवनिंग शी नो, वो जो फ्लावर थे उसमें मतलब वो जो प्लांट था उस प्लांट में जो फूल थे वो फूल फीके पर्पल कलर के थे। शी वुड डेफिनेटली गेट द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट, और उसे पता था कि ये जो मेरा प्लांट है जो बाकी प्लांट से बहुत सुंदर और अलग दिखाई दे रहा है, इस प्लांट को देखकर डेफिनेटली मुझे तो प्राइज मिलेगा ही मिलेगा। शी वेंट टू बेड ड्रीमिंग फॉर हर प्लांट एंड द न्यू टाइप ऑफ फ्लावर, अब वो क्या कर रही, अगले दिन कॉन्टेक्स्ट होने वाला था तो वो बेड में चली गई, जल्दी सो जाएगी क्योंकि उसे जल्दी उठना था, वो सपने में खो गई और वो सपना देखने लगी एक हेल्दी प्लांट का, एक नए तरह के फूलों का, ठीक है। द नेक्स्ट डे वॉज ऑल द इम्पॉर्टेंट डे, और अगला दिन जो था वो इम्पॉर्टेंट डे था क्योंकि उसकी मेहनत थी, वो मेहनत अपनी शो करना चाहती थी लोगों के सामने, जैसे कि हमारे लिए हमारी एग्जाम होती है, हमारा रिजल्ट होता है, हमने साल भर क्या किया
उसका रिजल्ट हमें उस दिन मिलने वाला होता है, तो हम कैसे एक्साइटेड होते हैं, वैसे वो भी एक्साइटेड थी अपने प्लांट को कॉन्टेक्ट में ले जाने के लिए। शी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोर्टयार्ड टू सी हर प्लांट। वो सीधा सुबह जल्दी उठ गई और सीधे गई कोर्टयार्ड में, आंगन में गई अपने उस प्लांट को देखने के लिए। रेवती ब्लिंक फॉर अ फ्यू मिनट, उसने कुछ देर तक अपनी आंखें ब्लिंक की, जैसे कि बंद चालू करना, आंखें मिचकाना, वो ब्लिंक करने लगी। जैसे हम नींद से उठते हैं ना तो अचानक आंखें नहीं खोल पाते, हम कुछ देर तक ब्लिंक करते, तो वो ब्लिंक करने लगी। फॉर देयर वेयर नाइदर द पॉट नॉर द प्लांट, वहां ना तो कोई पॉट था और ना ही कोई प्लांट था। शी लुक्ड टू सी इफ समवन हैड मूव्ड अ पॉट, उसे लगा कि कौन है जो मेरे पॉट को कहीं रख दिया होगा, यहां से उठा के कहीं दूसरी जगह रख दिया होगा। तो उसने क्या किया, सी सर्च ऑल ओवर, उसने सभी तरफ देखा। शी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी मम्मा को भी पूछा। हर मदर सेड शी न्यू नथिंग आइदर अबाउट द पॉट और द प्लांट, उसकी माँ ने कहा ना तो मुझे किसी पॉट के बारे में पता है ना ही किसी प्लांट के बारे में, मैंने ऐसा कोई प्लांट या पॉट देखा ही नहीं। सम ऑफ द नेबरर हैड बीन टू देयर हाउस द प्रीवियस आफ्टरनून एंड हैड रिमार्क द ब्यूटीफुल फ्लावर एंड हेल्दी लुकिंग प्लांट इन द पॉट। तो उसकी मम्मा ने बताया कि कल दोपहर के समय कुछ पड़ोसी आए थे और उन पड़ोसियों ने क्या किया कि एक उन्होंने बताया कि तुम्हारे कोर्टयार्ड में एक बहुत सुंदर सा पौधा है, उसको उन्होंने रिमार्क किया, नोटिस किया। बट लेटर शी हैड बीन बिजी इनसाइड द हाउस एंड हैड बीन नॉट इन टू द कोर्टयार्ड। तो मम्मा ने कहा उसके बाद तो मैं बिजी हो गई अपने काम में और मैं कोर्टयार्ड में भी नहीं गई और मैंने उस प्लांट को भी नहीं देखा। अब रेवती को समझ में आ चुका था कि उसका प्लांट जो है वो शायद चोरी हो गया हो। रेवती's grief knew no bounds. She went around asking everyone for her neighbor, but no one had been anywhere near the pot of plant. वो क्या करने लगी? Knew no bounds, had no limit, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, अनलिमिटेड तौर पर वो अपने प्लांट को सर्च करने लगी, यहां से वहां, वहां से यहां, अपने पड़ोसियों को पूछने लगी क्या ये प्लांट उनके यहाँ है, क्या किसी ने उसका प्लांट देखा। शी कुड नॉट लॉज अ कंप्लेंट, उसे पता था प्लांट तो चोरी हो गया है। शी कुड नॉट लॉज अ कंप्लेंट फॉर पॉट ऑफ प्लांट, और वो ऐसा तो नहीं कर सकती कि प्लांट चोरी हो गया तो उसकी रिपोर्ट लिखा दे, है ना। अब पेड़ों की कोई रिपोर्ट तो नहीं लिखा था, तो वो कैसे पेड़ों की रिपोर्ट लिखाती, वो अपने पेड़ों की रिपोर्ट भी नहीं लिखा पाती थी। शी फेल्ट एज दो एवरीथिंग वॉज लॉस्ट, उसे लगा कि मैंने इतने दिन की मेहनत, सब कुछ मैंने खो दिया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। शी डिड नॉट माइंड नॉट गेटिंग द प्राइज, बट शी रियली मिस्ड हर प्लांट, उसे ये इच्छा नहीं थी कि उसके प्राइज जरूर मिले, उसे कोई आशा नहीं थी कि मुझे प्राइज मिलना ही चाहिए, मुझे प्राइज मिले ना मिले उससे उसे कोई मतलब नहीं था, पर वो अपने प्लांट को बहुत मिस कर रही थी। शी हैड ग्रोन वेरी फाउंड ऑफ देम, वो वेरी फॉन्ड ऑफ देम, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे थे और वेरी फॉन्ड ऑफ देम दे वेयर हर फ्रेंड्स हु एंजॉय हर म्यूजिक। तो वो जो प्लांट थे वो रेवती के फ्रेंड बन चुके थे, वो फ्रेंड जो उसकी म्यूजिक को एंजॉय करते थे, उस प्लांट की उन्हें उसे आदत हो गई थी, अब वो उस प्लांट के बिना नहीं रह सकती थी। दैट इवनिंग ऑल हर फ्रेंड वेयर गोइंग टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, तो उस दिन सभी के सभी उसके फ्रेंड जो थे वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जाने वाले थे, कॉन्टेक्स्ट में जाने वाले थे जहां पर हेल्दी प्लांट का कॉन्टेक्स्ट रखा गया था। शी डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड, अब उसके पास प्लांट नहीं था तो उसकी इच्छा भी नहीं थी जाने की, क्योंकि वो उदास हो गई थी, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट को अटेंड नहीं करना चाहती थी। बट हर फ्रेंड फोर्स टू हर, फिर उसके दोस्तों ने उसे फोर्स किया कि चलो साथ में चलेंगे, कॉन्टेक्स्ट अटेंड करेंगे। After reaching the place, जैसे ही वो उस जगह पर पहुंची, she went to the bench where the potted plant were displayed. वो उस बेंच पर गई जहां पर गमले वाले जो पौधे थे वो रखे हुए थे। रेवती was shocked. रेवती चौंक गई, क्यों चौंकी? There was her pot of plant on bench. उस बेंच पर
उसका वो पौधा रखा हुआ था जो उसका फ्रेंड था, जो उसको रिस्पॉन्ड करता था, जो उसका खुद का था, विद द नेम ऑफ डिस्टेंस नेबरर ऑफ हर्स एज अ कॉम्पिटिटर विद इन सॉरी कॉम्पिटिटर रिटर्न ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस इन द सॉइल। अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे उसने वो गमला देखा जो उसका था, वहां पर उसके दूर के पड़ोसी डिस्टेंट नेबरर मतलब किसी दूर के पड़ोसी का नाम लिखा हुआ था कि वो उसका पौधा हो, जैसे उसने उस प्लांट को उस पौधे को सबमिट किया था। शी न्यू इट वॉज हर प्लांट, वो जानती थी कि वो पौधा उसका है। शी वेंट टू द ऑर्गेनाइजर, वो सीधा ऑर्गेनाइजर के पास गई जो फंक्शन जो कॉन्टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं ऑफ शो है एंड टोल्ड देम अबाउट इट। वो जैसे ही ऑर्गेनाइजर के पास गई उसने दिखाया कि वो जो प्लांट है वो मेरा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजर को उसने बताया। द ऑर्गेनाइजर वेयर नॉट कन्विंस्ड। अब किसी को हम बोलेंगे कि ये चीज मेरी है तो वो कैसे समझ में आएगा, उसके लिए तो हमें प्रूफ देना होगा ना कि वो चीज आपकी है। तो वो जो ऑर्गेनाइजर थे वो कन्विंस्ड नहीं हुए। दे सेड हाउ कैन यू प्रूव दैट द प्लांट आर योर्स, तुम कैसे इस बात को प्रूफ कर सकती हो कि ये जो प्लांट है वो आपका है। द लेडी हु सबमिटेड देम इज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट, उस प्लांट को जिस लेडी ने सबमिट किया है वो रेगुलर पार्टिसिपेंट है, वो हर साल अच्छे अच्छे पौधों को सबमिट करती है और प्राइज भी लेकर जाती है। फिर तुम उस पर कैसे उंगली उठा सकती हो और हम उस पर कैसे डाउट कर सकते हैं, ऐसा उस ऑर्गेनाइजर ने कहा। रेवती वंडर्ड हाउ टू कन्विंस देम, अब रेवती परेशान हो गई कि वो कैसे बताएंगी कि वो प्लांट उसका है। शी सैट देयर फॉर अ फ्यू मिनट लुकिंग एट द प्लांट, वो बैठ गई और कुछ देर तक अपने पौधे को देखने लगी। द साइट ऑफ द प्लांट बेंडिंग टूवर्ड्स हर वाइल शी प्लेड हर वायलिन फ्लैश अक्रॉस हर माइंड, अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई कि जब भी वो अपना वायलिन बजाती है तो प्लांट जो है वो उसकी तरफ मुड़ते हैं, उसकी तरफ झुकते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ये बात जैसे उसके सामने उसके माइंड में आई, शी टोल्ड द ऑर्गेनाइजर दैट शी कुड प्रूव द प्लांट वेयर हर, उसने तुरंत ऑर्गेनाइजर को बताया कि मैं ये प्रूफ कर सकती हूं इस बात को कि वो प्लांट मेरा है। शी रन होम, वो भागते भागते घर गई, दौड़ते दौड़ते घर गई। When she returned a few minutes later with her violin, they started laughing. जब वो कुछ देर के बाद वापस आई अपने वायलिन को लेकर तो सब उसको देखकर हंसने लगे। But their ridicule did not deter her from mission. Okay, अब यहां पर देखो ridicule मतलब unkind laughter, जैसे कोई आप पर बिना दया किए क्रूरता से आप पर हंस रहा है, ठीक है। डिटर जैसे उसके उसको करेज नहीं, उसे डिसकरेज कर रहा हो। मिशन एन इम्पॉर्टेंट टास्क अंडरटेकन, और जैसे वो एक ऐसी चीज बताना चाह रही थी जो कभी पॉसिबल ही ना हो। शी टोल्ड देम आई न्यू माय प्लांट आई शेयर अ सीक्रेट विथ देम, वो बोलती थी उन्होंने उसने उस ऑर्गेनाइजर से कहा मैं जानती हूं ये प्लांट मेरा है और आज मैं आपके साथ अपने प्लांट का एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। माय प्लांट आर म्यूजिक लवर लाइक मी एंड यू कुड सी हाउ दे रिस्पॉन्स व्हेन आई प्ले टू देम, वो कहती है कि मेरे जो प्लांट है वो म्यूजिक लवर है, उसमें इन्हें म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा पसंद है और जब मैं म्यूजिक बताती हूँ तो ये रिस्पॉन्स करते हैं, ये मूव होते हैं। All their laughter louder saying that they had never heard plant even a plant enjoy music. सबके सब उस बात पर हंसने लगे, उन्होंने उससे कहने लगे कि हमने कभी ऐसा नहीं सुना है कि जो प्लांट है वो म्यूजिक लवर होते हैं या वो म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। दे आस्क हर, वो उससे पूछने लगे, डू प्लांट हैव ईयर लाइक अस टू एंजॉय योर म्यूजिक, क्या पेड़ों को कान होते हैं जो तुम्हारी म्यूजिक को सुनेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे। इस तरह से उसका मजाक उड़ाने लगे। नो वन बिलीव हर, कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। शी फेल्ट वेरी डिजेक्टेड, वो डिसअपॉइंट हो गई, डिजेक्टेड हो गई, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गई, जैसे उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, कोई विश्वास नहीं कर रहा। बट वॉज डिटरमाइंड टू वीन हर प्लांट बैक, पर उसे उसने ये डिटरमाइन कर लिया था, ये अपना
मतलब उस बात को सोच लिया था, ठान लिया था, किसी बात को ठान लेना, उसने ठान लिया था कि उसे उसका पेड़ जो है वापस लेना है। शी सैट नियर हर प्लांट विद हर वायलिन एंड स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग हर फेवरेट रागा। और वो क्या करने लगी, वो अपने प्लांट के पास जाकर बैठी, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, वो अपने प्लांट के पास जाकर बैठी और उसने अपना फेवरेट म्यूजिक रागा बजाने लगी। एंग्रोस्ड इन हर म्यूजिक रेवती इवन फॉरगेटन हर प्लांट फॉर अ टाइम बट अदर कुड नॉट। रेवती जब अपना म्यूजिक बजाती है तो वो खुद में खो जाती है, वो खुद में पूरी तरह खो गई, उसने पूरी तरह से मग्न होकर म्यूजिक बजाया, वो अपने प्लांट को भूल चुकी थी, पर दूसरे लोग तो देख रहे थे कि किस तरह से प्लांट उसकी तरफ बेंड हो रहे, झुक रहे। विथ वंडर इन देयर आईज दे वॉच द प्लांट स्टार्टेड एट फर्स्ट दे बेंड स्लाइटली। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे जो प्लांट है वो उसकी तरफ मूव होने लगे हैं, झुकने लगे हैं। एज शी प्लेड ऑन एंड ऑन देयर स्टीम बेंड टूवर्ड्स रेवतीज as though they wanted to touch her. अब देखो, as she played on and on, जैसे ही वो म्यूजिक बजाने लगी, their steam bent towards the Revati. वो जो प्लांट थी उसकी जो स्टीम थी ये Revati की तरफ मूव होने लगे, मानो कि वो उसे छूना चाहते हो। They wanted to touch her. In their happiness, the organizer were stopped. और जब इस बात को उसने देखा, ऑर्गेनाइजर स्टंड रह गया, एस्टोनिस्ड, अमेज्ड, अमेजिंग थिंग, ऐसी चीज जैसे उसने कभी देखा नहीं हो, वो आश्चर्यचकित रह गया। फिर क्या हुआ आगे देखिए। दे हैड वॉच अ न्यू फेनोमेनन ऑफ प्लांट रिस्पॉन्डिंग टू म्यूजिक एंड रेवतीज हैज बिकम ग्रेट डिस्कवर। और उन्होंने पहली बार इस चेंजेस को देखा कि प्लांट जो होते हैं वो म्यूजिक को रिस्पॉन्स करते हैं, और ये जो फेनोमेनॉन था, ये जो बदलाव था, ये जो चेंजेस था, समथिंग दैट अ वेरी अनयूजुअल फेनोमेनॉन, यानी बदलाव, एक अलग सा बदलाव, ये जो बदलाव था ये पहली बार उन्होंने प्लांट में देखा था, और उन्होंने ग्रेट डिस्कवर का नाम दिया किसको, रेवती को, कि प्लांट जो है वो म्यूजिक को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और इस बात को किसने डिस्कवर किया है, रेवती ने डिस्कवर किया है। दे ऑल अप्यूल्ड हर एंड सेड दे वेयर कन्विंस्ड दैट प्लांट वेयर हर। वे सब अप्यूल्ड हो गए, शो प्रेज टू क्लैपिंग, मतलब खुशी से तालियां बजाने लगे, और वे जान गए कि ये जो पेड़ है वो रेवती का ही है। दे पुल्ड हर नेबरर अप for cheating them and she accept after a long argument that she had stolen Revati's plant. उन्होंने वो जो cheating करने वाली जो महिला थी जिसने Revati का plant चुरा लिया था, उस neighbor को उन्होंने pulled किया, ठीक है, और मतलब cheat किया, उसको बोला कि तुमने इसे धोखा क्यों दिया, और उसे बहुत देर तक argument करने के बाद, बहुत देर तक पूछने के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने रेवती का प्लांट स्टोलन, मतलब चोरी किया था। शी सेड व्हाइल वॉकिंग पास्ट रेवतीज हाउस एंड हैड स्टॉप्ड द प्लांट एंड हैड रिमूव द पॉट इन द नाइट टू हर हाउस एंड सबमिटेड इट लेटर फॉर द कॉन्टेस्ट। ये वो जो चोर महिला थी, उस चोर महिला ने ये बताया कि मैं रात को उसके घर गई थी, उसका प्लांट उसके कोर्ट यार्ड से चोर कर लाई और फिर मैंने इसे सबमिट किया। एज शी वॉज अ रेगुलर पार्टिसिपेंट नो वन डाउट हर। उसने कहा कि जैसे कि मैं हमेशा की रेगुलर पार्टिसिपेंट हूँ तो कोई मुझ पर डाउट नहीं करेगा। इस बात से वो पूरी तरह से ये थी, मतलब उसको पूरा भरोसा था कि उस पर कोई ये नहीं कर सकता, डाउट नहीं कर सकता, और इसलिए उसने उस प्लांट को चोरी करके वहां पर कॉन्टेक्स्ट में भेज दिया। The authorized decide that Revati's plant deserved the first prize as they were the best. और जो organizer थे और जो authorized थे, उन authorized person ने ये decide किया कि Revati जो है उसका plant first prize को deserve करता है। Looking and healthy, Revati carried home the
प्राइज प्राउडली विथ हर पॉट ऑफ प्लांट। और फिर जो लुकिंग हेल्दी रेवती, रेवती अब बहुत ही खुश लग रही थी और उसने अपने हेल्दी प्लांट को कैरी किया और वो प्राइज के साथ उसे घर लेकर गया। तो देखिए कितनी अच्छी ये स्टोरी है दोस्तों, और इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहोगे, मतलब पूरी कोशिश कर लोगे, तो वो चीज पॉसिबल हो सकती है। जी हाँ, प्लांट म्यूजिक पसंद करते हैं आप, इसे अपने घर में बिल्कुल ट्राई करके देख सकते हैं। इट्स रियल डिस्कवर। सो आई होप दैट आपको ये लेसन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल में पहली बार होते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।